अभी मत आना यार भाई साहब, अभी देखो बहुत बुरी हालत है यहाँ पे, बहुत बुरी तरह जाम लगा हुआ है। तो अभी मेरे ख्याल से आप लोग वहीं से दर्शन करिए अयोध्या के। ये देखो भाई, हमारी कैंपर वैन यहाँ पे खोल ली, यही तो फायदा होता है गाड़ी लेके जाने का। भाई साहब यहाँ पे गर्मा गर्म चाय बना ली है। मकसद तो यही है कि श्री राम लाला जी आ रहे हैं, विराजमान होंगे, और आप देख सकते हैं आज तक किस लेवल तक जा सकती है। आप सामने देखिए, बस हम लोग अयोध्या पहुंचने ही वाले हैं। ये सब आपको सिर्फ इंडिया में ही देखने को मिलेगा, ऐसी महानता। कड़ाके की ठंड में हम लोग जनवरी में हम लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं, और आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल भी विजिबिलिटी नहीं है रोड के ऊपर। लो सरकार, बाहर तो हो रही है एक जबरदस्त तरीके से ठंड, और आपको बता देता हूँ टेम्परेचर जो है वो 8 डिग्री ड्रॉप हो गया था। और हम लोग अगेन झांसी के पहले ही रुके हुए हैं, बहुत ही शानदार कलर कॉम्बिनेशन है। टोल प्लाजा के पहले हम लोगों ने गाड़ी रोक ली थी, और यहाँ खड़ी हुई है गाड़ी, देखो बहुत ज्यादा फॉग हो रहा था, बहुत ज्यादा फॉग हो रहा था। तो देन वी डिसाइडेड कि यार गाड़ी रोक लेते हैं, और गाड़ी रोक लेने के बाद देन हमने ये सोचा कि यार सो भी लेते हैं। तो जैसे तैसे हम लोगों ने इसके अंदर सो लिया, बेड तो लगा ही था आप लोगों को पता है। तो अब वापस से जर्नी अपनी कंटिन्यू कर रहे हैं, और यहाँ पे देखिए जो समय हो रहा है करीब 6:30 हो चुका है। यहाँ पे काफी ज्यादा ठंड है भाई साहब, बहुत जबरदस्त ठंड है, और इसी का देखो यहाँ पे उठ गई है, उसकी अच्छी नींद हो गई है। यहाँ पे NH 44 पे गाड़ी चल रही है, और बाहर देखो टेम्परेचर किस तरीके से ड्रॉप होता है। स्क्रीन पे देखिए आप लोगों को दिख सकता है बाहर हो रहा है टेम्परेचर 8 भाई साहब। अंदर हम लोग ने हीटर चला के रखा है, ऐसी तैसी हुई पड़ी है। भोपाल में जो मिनिमम टेम्परेचर था वो था भैया 15, और यहाँ पे हो गया 8। गाइस ये देखिए कितना शानदार यहाँ पे एक वाटर रिजर्वर है। हम झांसी के पहले हैं, और ये है शहजाद रिजर्वर। बहुत ही बढ़िया यार, बहुत ही उम्दा नजारा है, बहुत ही ब्यूटीफुल नजारा है, आप लोग देख सकते हैं। वहाँ पे हो रहा है सनराइज, अमेजिंग वाला सनराइज है गाइस, देखिए। जी हाँ भाई साहब, हम लोग झांसी पहुंच चुके हैं और आउटर रिंग रोड पे चल रहे हैं अभी। बिल्कुल मौसम इतना क्लीन है, तेज धूप निकली हुई है, और अब जो है टेम्परेचर में थोड़ा सा उछाल आएगा, अब जो ठंड है थोड़ी सी कंट्रोल हो जाएगी। फाइनली गाड़ी हम लोगों ने यहाँ पे रोक दी, 9 बज रहा है, और 9 बजे भाई साहब क्या होता है, अक्सर होता है अपने ब्रेकफास्ट का टाइम। तो ये देखो भाई, हमारी कैंपर वैन यहाँ पे खोल ली, यही तो फायदा होता है गाड़ी लेके जाने का। भाई साहब यहाँ पे गर्मा गर्म चाय बना ली है, गाड़ी यहाँ पे रोक दी है, वॉशरूम यहाँ पे सेटअप कर लिया है, और ये देखो भाई साहब यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे चल रही है चाय पार्टी सुबह सुबह। क्या बात है मैडम, क्या चल रहा है, आइए चाय पीजिए। क्या बात है, मजा आ रहा है। इशिका दूध पी रही है गर्मा गर्म, ये तो भाई साहब यहाँ पे निपटा लेते हैं, चाय दूध छोटा सा बिस्किट है और कुछ फ्रूट्स रखे हैं। गाड़ी यहाँ पे पार्क कर रही हुई है, बहुत ही कंफर्टेबल है। बस यहाँ से सीधे निकलेंगे कानपुर के लिए, और ये देखिए हम लोग झांसी क्रॉस कर चुके हैं, और आपको ताबड़तोड़ दिखाएंगे अयोध्या। भोपाल से अयोध्या जा रहे हैं भाई साहब, कमेंट्स में जय श्री राम के कमेंट्स तो जरूर होना ही चाहिए यार। गाइस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, और प्लीज कमेंट करना ना भूलें। जय श्री राम, मुलाकात करते हैं आपसे वापस से हाईवे पे। गाइस कानपुर के 150 किलोमीटर पहले हमें रास्ते में ये किला मिला है, काफी फेमस किला है। यहाँ पे लोकल्स बता रहे हैं कि अमरा गुरु किले के नाम से फेमस है। ये देखिए मैं आपको जूम करके दिखा। तो गाइस जैसा कि आपको पता है कि अपन लोगों ने सुबह ब्रेकफास्ट कर लिया, चाय कर ली, और अपन लोग जा रहे हैं अयोध्या के लिए। हम लोग कानपुर अप्रोच कर रहे हैं। अयोध्या वैसे तो आपको पता ही है कि क्यों फेमस है, राम जन्म भूमि है। आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, अयोध्या में और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण स्थान है, सिखों का भी उसके अंदर बहुत बढ़िया 2 गुरुद्वारे हैं यहाँ पे, जो कि बहुत ही माने हुए हैं और सिद्ध हैं, उनके बारे में अपन बात करेंगे। राजा राम के बारे में तो आपको पता ही है, हनुमान जी के बारे में बहुत अच्छी बात है, और राजा दशरथ के बारे में। तो ये सारी चीजें अपन लोग कवर करने वाले हैं। मैंने दैनिक भास्कर ऐप में पढ़ा था कि कानपुर में शनिवार को सुबह 3 डिग्री टेम्परेचर था भाई साहब, ताबड़तोड़ ठंड और कोहरा ऐसा कि 50 मीटर विजिबिलिटी भी ना हो। हो सकता है हमारा जो ट्रेवल है वो थोड़ा सा डिले हो जाए, मगर कैसे भी करके आज रात को हम लोग अयोध्या पहुंच जाएंगे। साथ में अगर चैनल आप लोगों को पसंद आ रहा है, वीडियो आपको पसंद आ रहा है, तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करते चलें, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चलना चाहिए कि अयोध्या में क्या हो रहा है, क्या रोड कंडीशंस मिलने वाली है, क्या व्यवस्था है। आपके एक एक सब्सक्रिप्शन से बहुत मदद मिलती है गाइस, और कमेंट जरूर करके मुझे बताएं कि आप लोगों को कैसा लग रहा है और क्या क्या चीजें आप लोग देखना चाहते हैं। सीधे आगरा जा रहा है, लेफ्ट को चित्रकूट और आगरा के लिए बाईपास आ रहा है, तो हम लोग चल रहे हैं बिल्कुल सीधे, हम लोग कानपुर अप्रोच करेंगे। साहब ये ट्रक देखो ऐसे करते हैं यार, रास्ते में बिल्कुल रिवर्स ले रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए इन लोगों को, और अपन साइड से निकल लेते हैं। तो ये हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं NH 27 पे, नेशनल हाईवे 27। भाई साहब नो डाउट रोड कंडीशंस बहुत अच्छी है, इसको NH 19 भी दिखा रहा है ये। भोपाल से जब आप लोग अयोध्या के लिए ट्रेवल करते हैं तो आपको ललितपुर होते हुए झांसी पहुंचना है, और झांसी से आप लोग अप्रोच करेंगे कानपुर, आउटर साइड पे लखनऊ होते हुए आप लोग पहुंच जाएंगे अयोध्या।
वी आर फाइनली सीट का आदान प्रदान हो चुका है और हॉट सीट पे विराजमान हो चुकी है हमारी मैडम। अपन ने कमान दे दी, अपन आराम करेंगे क्योंकि रात को नॉन स्टॉप गाड़ी चल रही थी। क्या चल रहा है? चलो ठीक है, चलो मैडम आप जब तक गाड़ी चलाओ अपन आराम। अपने को एक बंदे मिल गए हैं जो अजमेर से अयोध्या जा रहे हैं साइकिल पे, तो सामने देखते हैं, दो मिनट रोकते हैं उनको। ऐसे मोटिवेशनल लोग यार, क्योंकि अपना भी जो एम है अयोध्या जाना है, आप सब लोगों के लिए स्टोरीज लेके आना है, तो उनको रोकते हैं, उनसे दो मिनट बात करते हैं अपन, गाड़ी के सामने रोकते हैं। क्या बात है, जय श्री राम जी, जय श्री राम, कैसे हो आप? बस बढ़िया है सर जी। हम भोपाल से निकले हैं अयोध्या और भैया निकले हैं अजमेर से। क्या नाम है आपका? रोहित बंसल नाम है। रोहित यार आपको बहुत बहुत बधाई, कैसे हो? पानी पिला। चलो ठीक है, तो भाई हमको मिल गए हैं यहाँ पे रोहित भाई। तो रोहित भाई सबसे पहले बताओ कब निकले हुए, कहाँ से निकले हुए हो? सर 1 तारीख को निकला था मैं और आज 13 दिन हो गए हैं, चल रहे हैं अभी तक, अयोध्या के लिए जा रहे हैं। क्या बात है, क्या मकसद है, क्या क्या सर? क्या मकसद, मकसद तो यही है कि श्री राम लाला जी आ रहे हैं, विराजमान होंगे। आज कितने सालों की लड़ाई है, 500 सालों से जो लड़ाई चल रही है, और उसमें आज जो विजय का माहौल है, और विश्व की हमारी सबसे बड़ी दिवाली होने वाली है, तो उस दिन तो हमें जाना ही पड़ेगा। और मैं तो बड़ा खुशनसीब हूँ कि श्री राम जी ने मुझे याद किया है, तो मैंने सोचा साइकिल से चल ले कुछ अमेजिंग तरीके से। आप लोगों को सबको मैं कह रहा हूँ, रोहित बंसल व्लॉग्स को प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करें, इनको प्यार दें, और भाई साहब कमेंट्स में होना चाहिए जय श्री राम जी। कमेंट्स की लड़ी लगा दो भाई साहब, क्योंकि हम सब मकसद लेके निकले हैं और हम भी खास तौर से आप लोगों के लिए निकले हैं। तो ये हमारी बेटी छोटी रोहित भाई को एक छोटा सा चॉकलेट देगी, उनका मुंह मीठा कराएगी, तो इस तरीके से ये देखो भाई साहब, तो इस तरीके से आप मुंह मीठा करते चलो यार। यही कहना चाहता हूँ, हर एक युवा को भारत भ्रमण तो करना ही चाहिए, और पूरा वैसे साइकिल से नहीं लेकिन गाड़ी से, किसी भी चीज़ से भ्रमण करना चाहिए, लोगों को देखना चाहिए कि कैसे कैसे लोग हैं, कैसा माहौल है। बस तो इधर से अयोध्या के बाद मैं वाराणसी जाऊँगा, प्रयागराज जाऊँगा, और उसके बाद में मैं नॉर्थ ईस्ट में एक्सप्लोर करने जाऊंगा। अभी कोशिश कर रहे हैं हम कानपुर जाने के लिए, और कानपुर तक पहुंचने के लिए अब देखते हैं, कानपुर है 30 से 35 किलोमीटर, कोशिश कर रहे हैं इसलिए स्पीड से जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। फुल सपोर्ट मिलना चाहिए ट्रैवलिंग विदाउट मनी रोहित बंसल व्लॉग्स। तो भाई साहब अगर आपको कुछ मदद करना है इनको, तो आप किसी भी तरीके से, कोई भी तरीके से आप इनको मदद कर सकते हैं, ताकि यार सबका नाम रोशन हो। और भाई साहब हमारे श्री राम जी आ रहे हैं अयोध्या में, तो सबको इसकी बहुत बहुत बधाई है। सो गाइस यहाँ पे बहुत सारे लोग मिल गए हैं हमें, एक्चुअली श्री राम का नाम ही ऐसा है, कान में नाम पड़ते ही बहुत लोग आ जाते हैं अपना प्यार दिखाने के लिए, प्यार बरसाने के लिए। बहुत सारे फॉलोअर्स मिल गए और उनसे मिलके इतना अच्छा लग रहा है। कानपुर क्रॉस कर रहे हैं और ये सामने देखिए आप लोगों को दिख रही है गंगा रिवर है नीचे, और बहुत सारा जो पोर्शन है इसका सूखा हुआ, बीच में बहुत सारी रेत दिख रही है आप लोगों को। कानपुर से निकले हुए उन्नाव पहुंचे हैं और बहुत ही गंदा वाला जाम लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इतना ज्यादा पॉल्यूशन हुआ पड़ा है, आप लोग देख सकते हैं जगह जगह जो है यार रोड खुदी पड़ी है, गड्ढे हुए पड़े, बहुत बुरी हाल है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लोग हर जगह ना आग सेकते हुए दिख जाएंगे आपको, जगह जगह पे लोगों ने ना बना रखा है, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। अब जैसे जैसे मैंने कानपुर का आप लोगों को कल बताया था कि टेम्परेचर 3 हो गया था सैटरडे को, तो अब जैसे जैसे शाम हो रही है वैसे वैसे टेम्परेचर ड्रॉप होने वाला है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इशिका यहाँ पे आराम कर रही है और कशिश गाड़ी चला रही है, और बस देखो यार बहुत बुरे हाल है रोड के। तो कानपुर से अगर आप लोग निकल रहे हैं उन्नाव के पास से, भाई साहब आपको 100% टाइम लगने वाला है, क्योंकि एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल जो है आपका निश्चित रूप से बढ़ जाएगा। आप सामने देख सकते हैं आस्था की क्या परिभाषा होती है, और आप देख सकते हैं आस्था किस लेवल तक जा सकती है। आप सामने देखिए, बस हम लोग अयोध्या पहुंचने वाले हैं, दंडवत प्रणाम करते हुए भाई साहब जा रहे हैं, तो नहीं कितने हजारों इन्होंने दंडवत प्रणाम किए होंगे, साथ में लगा हुआ है भारत का झंडा और साथ में जय श्री राम, भाई साहब केसरिया झंडा जो है लहरा रहा है, आप देख सकते हैं उसको, बहुत ही अद्भुत है। मतलब ये सब आपको सिर्फ इंडिया में ही देखने को मिलेगा, ऐसी महानता। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भैया कहाँ से आ रहे हो? वाह, इसीलिए हमारा भारत महान। आप लोग चाहते हो अयोध्या आना, तो आप लोग देखिए क्या हालत है यहाँ पे, अभी मत आना यार भाई साहब, अभी देखो बहुत बुरी हालत है यहाँ पे, बहुत बुरी तरह जाम लगा हुआ है। तो अभी मेरे ख्याल से आप लोग वहीं से दर्शन करिए अयोध्या के, बहुत बुरे हाल है यहाँ पे भाई साहब, आप देख सकते हैं रोड पे कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है और इतनी लंबी लाइन है, रात को एक तो इतना कोहरा रहता है कि कुछ दुखता भी नहीं है, और भाई साहब बहुत बुरे हाल है।
गाइस देखिए हम लोग यहाँ पे लखनऊ पहुंच चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये अब यहाँ से जो है अयोध्या करीब करीब 170 किलोमीटर है, तो 3 घंटे का रास्ता और बचता है। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सामने थोड़ा थोड़ा कोहरा वापस से शुरू हो चुका है और अभी करीब 8:30 बज रहा है और हम लोग जो है लगभग 24 घंटे से ज्यादा टाइम हो चुका है हम लोगों को हमारे घर से बाहर निकले हुए। और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि कोहरा होने के कारण हमारा जो ट्रेवल है वो थोड़ा डिले हो सकता है। और भाई ये सामने देखो जबरदस्त वाला एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे, गजब वाला एक्सीडेंट है। सब लखनऊ देख रहे हो बहुत जबरदस्त तरीके से डेवलप्ड है, लखनऊ बहुत ही शांत है। गाइस आप लोग देख सकते हैं अगेन इतनी ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है ये फॉग, आप लोगों ने देखा, और बिल्कुल भी विजिबिलिटी नहीं है रोड के ऊपर, बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो विजिबिलिटी है और हम लोग धीरे धीरे चल रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो भाई साहब ये रीजन है एक्चुअली कड़ाके की ठंड में हम लोग जनवरी में हम लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं, बिल्कुल भी विजिबिलिटी नहीं है रोड के ऊपर, तो इस तरीके से पहुंचना पड़ रहा है। इसीलिए जो है हमारा जो टाइम है वो लैग हो गया है, इस तरीके से हमें टाइम लग रहा है, पर दैट्स ओके, हम आराम से पहुंच रहे हैं और प्रिकॉशंस पूरा ले रहे हैं, आराम से जाएंगे और कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी गाड़ी तेज नहीं चलाएंगे। गाइस मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि गाड़ी हमको रोक लेना चाहिए, अब बिल्कुल भी विजिबिलिटी नहीं बची यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं और बिल्कुल भी दिख नहीं रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि अब रोक लेना चाहिए। कभी कभी क्लियर हो जाता है, हालांकि अब जो अयोध्या है वो सिर्फ 100 किलोमीटर बचा है, बट स्टिल यार अब अगर विजिबिलिटी जीरो रह जाती तो गाड़ी मुझे 100% कैसे भी करके रोकना ही पड़ेगी। 8 टेम्परेचर 8 हो गया है, क्या बात है, मतलब पहले 12 था फिर 10 हुआ अब 8 हो गया, बहुत ज़बरदस्त ठंड पड़ती है यार इधर। गाइस कभी आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ ना कि आप ना आगे जा सकते हो ना पीछे जा सकते हो ना गाड़ी खड़ी कर सकते हो, तो बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ आपको क्या करना है। गाड़ियाँ एक पर्टिकुलर स्पीड मेंटेन कर लेती हैं, अब हम सारी गाड़ियों ने 50-50 की जो स्पीड है वो मेंटेन कर रखी है और करीब 100 फीट का जो डिस्टेंस है वो मेंटेन करके रखा है। तो गाइस देखिए कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो गाड़ी ना मैंने एक पेट्रोल पंप पे लगा ली है, अयोध्या यहाँ से 85 किलोमीटर दूर है, जो भी टाइम है यार जान से ज़्यादा बड़ी तो कोई कीमत होती नहीं है, तो भैया अब आराम करते हैं और सोचा था कि अभी पहुंच जाएंगे पर जैसे तैसे करके पहुंचेंगे, थोड़ा धुंध छट जाए। सो फाइनली गाइस देखिए इतना ज्यादा धुंध है और बहुत ज्यादा डस्ट हो रही है, तो गाड़ी फाइनली हम लोगों ने यहाँ पे लगा ली ढाबे के पास और ये पेट्रोल पंप के पास जैसे कि मैंने बताया था। तो भाई साहब अब आगे जाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं क्योंकि रिस्क बिल्कुल भी लिया नहीं जा सकता, तो गाड़ी के अंदर बेड बना लिया, आपको दिखा देते हैं। और इस तरीके से देखिए इशिका और कशिश क्या है, ये यहाँ पे सो रही है, आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने यह सोने का अरेंजमेंट अंदर कर लिया, आप देख सकते हैं। तो आपको तो पता ही है बेड किस तरीके से बनाया जाता है, और जो कंबल है देखिए इसका एक इंसुलेशन हम लोगों ने यहाँ नीचे लगा लिया है ऐसे, और ये साइड वाले जो ग्लास वॉल्स है ना जैसे वो ग्लासेस हैं आगे की आप देख सकते हो वहाँ पे, और ये यहाँ पे इस तरीके से हमने इंसुलेशन कर लिया, तो इस तरीके से क्या पूरा इंसुलेटेड कर लिया, अब यहाँ पे हम लोग सो जाते हैं। और अभी देखिए हार्डली कुछ मोमेंट हो रहा है, तो चलिए अभी इसको यहीं पे करते हैं खत्म और सुबह अपन पहुंचते हैं अयोध्या। अगर आप लोगों को ये व्लॉग एक्साइटिंग लग रहा है, मजा आ रहा है, तो प्लीज उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स के अंदर जय श्री राम का नारा जरूर होना चाहिए, इसी तरीके से शेयर करते चलिए, लाइक करते चलिए, मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय। तो देखिए इस तरीके से कितने आराम से चौड़े होकर सोते हैं, कशिश उधर का मुकर के सो रही है, इसी का इधर है, और ये देखो मैं इधर सो रहा हूँ, इस तरीके से सो रहे हैं, तो बहुत ही कंफर्टेबली सो जाते हैं, सारा सामान बेड के नीचे आ गया, कुछ आगे आ गया है और एक सीट अभी भी खाली है। तो चलिए करते हैं शुभ रात्रि गाइस। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियोस तो पसंद आ ही रहे हैं, अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए हमारी वीडियोस, और साथ में अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें।